दोस्तों, अगर आज भी आईएएस टॉपर की बात की जाए तो लोग टीना दाबी का नाम नहीं भूलते। बहुत लोगों ने अवर एजुकेशन पे ये सवाल किया कि आप हमें बताएं कि टीना दाबी की आईएएस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी। इसलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टीना दाबी जी का आईएएस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जर्नी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां पर भी जो कि आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टीना दाबी जैसी आईएएस टॉपर की जानकारी लेने के बाद शायद आपके दोस्तों की भी थोड़ी मदद हो जाए। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, जो आम सवाल लोग टीना दाबी की स्टडी के बारे में पूछते हैं वो है, हाउ मेनी आवर्स डस टीना दाबी स्टडी। जब टीना दाबी से सवाल पूछा गया, हाउ मेनी आवर्स डिड शी स्टडी, तो उनका जवाब ये था, इफ आई हैव एन एग्जाम टुमारो आई वुड एंड अप स्टडिंग टू 14 आवर्स, बट रेगुलरली आई यूज टू स्टडी 8 to 9 आवर्स पर डे। दोस्तों, मतलब कि अगर उनका कल एग्जाम है तो वो 14 घंटे पढ़ती थी, लेकिन रेगुलर बेसिस पर टीना दाबी 8 से 9 घंटे पढ़ती थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि टीना दाबी जी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों, अगर आप भी आईएएस की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप ये बात तो मान ही लीजिए कि आपको पर डे 8 से 9 घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी है। अब जानिए दूसरा आम सवाल जो लोगों के जहन में रहता है टीना दाबी को लेकर, हाउ डिड टीना दाबी प्रिपेयर फॉर आईएएस। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द नोटिफिकेशन बटन, क्योंकि मैं इस तरीके से और भी वीडियो अवर एजुकेशन के चैनल पर लाती रहूंगी और आपका ज्ञानोवर्धन करती रहूंगी। जो टीना दाबी का ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। अब जब आपने पूछा ही है कि टीना दाबी ने कैसे आईएएस की प्रिपरेशन करी, तो अगर आप इस टाइम शेड्यूल को देख लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको एक जानकारी हो जाएगी कि किस तरीके से टीना दाबी अपनी दिनचर्या बिताती थी। सुबह 7 बजे वो उठती थी, फ्रेश होती थी, 7:30 बजे वो न्यूज़पेपर पढ़ती थी, 8:30 बजे स्लॉट 1 की स्टडी करती थी, मतलब स्लॉट 1 टाइम देती थी, फिर 9 से 12 बजे तक, समझ रहे हैं आप, 3 घंटे वो करंट अफेयर्स को टाइम देती थी। उनका लंच टाइम होता था 1 से 2 बजे के बीच दोपहर में, फिर वो ब्रेक लेती थी 2 से 3 बजे तक, फिर वो स्लॉट 2 स्टडी करती थी 3 से 5 पूरे 2 घंटे। दोस्तों, उनका जो रिवीजन टाइम होता था 5 से 8 बजे शाम को होता था। आप ध्यान से देखिए, वो रिवीजन के लिए हर रोज 3 घंटे निकालती थी दोस्तों। फिर वो डिनर करती थी 8 बजे से 9 बजे के बीच में, और उनका स्लॉट 3 स्टडी होता था 9 से 11 बजे तक, और इसके बाद वो फिर ब्रेक लेती थी रात 11 से 12 बजे तक, और फिर वो 12 बजे सो जाती थी। तो दोस्तों, आप देखिए कि टीना दाबी की आईएएस प्रिपरेशन का टाइम टेबल किस तरह से रहा है। आप भी अपना प्रिपरेशन का जो टाइम टेबल है 3 स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं, और ये भी ध्यान रखिए कि जो रिवीजन टाइम है उसको भी 3 घंटा दीजिए। दोस्तों, अगर आपको दिल्ली में सबसे अच्छी आईएएस कोचिंग का चुनाव करना है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, उसमें बेस्ट 10 आईएएस कोचिंग इन दिल्ली को लिस्ट किया है। आप उस वीडियो को जरूर से देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि ये जो 3 स्लॉट हैं इसमें, और डीप में जाते हैं कि इसमें किस तरीके से वो पढ़ाई करती थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्लॉट 1 में क्या होता था कि वो बिग टॉपिक्स को कवर करती थी अर्ली मॉर्निंग, ज़्यादा एनर्जी रहती थी, ज़्यादा फोकस कर पाती थी। तो आप भी अगर सुबह उठते हैं तो जो आपका टफ पार्ट होता है, जो आपको टफ लगता है, डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं, आप स्लॉट 1 में उसे कवर करें। स्लॉट 2 का कैसा रहता है, देखिए मीडियम लेंथ के जो टॉपिक होते हैं जो कि सिर्फ 2 घंटे में कवर करने होते थे, वो टीना दाबी स्लॉट 2 में कवर करती थी। काफ़ी अच्छी आईएएस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है ये दोस्तों। अपनी एनर्जी को भी चैनलाइजेशन दिया जा रहा है। दोस्तों, स्लॉट 3 की बात करें तो रिवीजन ऑफ टॉपिक्स
जो कि पहले पढ़े हुए होते थे उनका रिवीजन करती थी। दाबी जी का मानना है कि रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट 3 times आपको रिवीजन करना चाहिए जो आपने चीज़ पहले पढ़ी है। दोस्तों अगर आपको ये टॉप सीक्रेट जो कि आज हम तीना दाबी के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसे अच्छी लगी तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीना दाबी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। उन्होंने रैंक 1 हासिल किया था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 2015 में। नेटिव स्टेट उनका दिल्ली था और पहले ही अटेम्प्ट में टीना दाबी ने आईएएस का एग्जाम क्रैक किया था। दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि टीना दाबी ने पॉलिटिकल साइंस लिया था और उस वक्त उनकी उम्र महज 22 थी। थोड़ा जानते हैं टीना दाबी के बैकग्राउंड के बारे में। जो दाबी जी थी वो भोपाल एंड दिल्ली में ग्रो अप हुई। इनके जो पिताजी थे वो मध्य प्रदेश से थे और जो मदर हैं वो महाराष्ट्र से रही हैं। दोस्तों जो टीना दाबी के फादर हैं वो इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज में कार्यरत थे और जो इनकी मदर थी वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में कार्यरत थी। फिर उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया था। स्कूलिंग टीना दाबी ने कार्मल कॉन्वेंट स्कूल भोपाल से करी थी और उसके बाद अपनी जो ग्रेजुएशन है वो उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज न्यू दिल्ली से करी थी। शी हैड परसुएड अ डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस। और आपको पता है इन्होंने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था आईएएस में वो भी पॉलिटिकल साइंस ही लिया था। दोस्तों दाबी जी को मधुबनी पेंटिंग्स बनाने का काफ़ी शौक है और फिक्शन रीडिंग फिक्शन करती हैं, मतलब इनको फिक्शन बुक्स पसंद हैं। आपको बता दें कि दाबी जी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया था। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इनको इतना नेम एंड फेम मिला। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो टीना दाबी की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड जर्नी का, जरूर हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं अवर एजुकेशन से तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। हैप्पी लर्निंग।